तो योग दिवस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के साथ योग किया। योग दिवस के अवसर पर केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में भी योग सिखाया जाएगा। वहीं केजरीवाल ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से दिल्ली की योगशाला से जुड़ने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। योग दिवस पर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, अब स्कूलों में योग सिखाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली वालों को मुफ्त योग सिखाने का वादा। सीएम की अपील, निरोगी जीवन के लिए करें योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। दिल्ली वासियों के साथ योग अभ्यास करने के लिए सीएम केजरीवाल दिल्ली की योगशाला में शामिल हुए। यहां सीएम केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। योग दिवस के मौके पर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बड़ा वादा किया है। उन्होंने दिल्ली वासियों को मुफ्त में योग सिखाने का वादा करते हुए कहा कि सरकार स्कूलों में भी योग की शिक्षा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ही योग सिखाया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि स्कूलों में योग संभव हो तो शुरू किया जाए। हमारा मकसद है कि हर घर का हर व्यक्ति सुबह उठ के योग करे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बचपन से इसको सिखाया जाए बच्चों को। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी यहीं बैठे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अगर स्कूल्स के अंदर इसको शुरू किया जा सके किसी तरह से। मैं 8वीं क्लास में योग सीखा था। 8वीं क्लास के बाद जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो हमारे घर के पास एक योग आश्रम था, तो 2 महीने की छुट्टियां थी, हमारी कॉलोनी के कुछ बच्चे वहां एनरोल हो गए, मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश का वो शहर बन गया है जहां पार्कों में सबसे ज्यादा लोग योग करते हैं। अब हमें हजारों की संख्या को लाखों में लेकर जाना है। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री कर दिया है। अब हमारा मकसद है कि दिल्ली का हर व्यक्ति योग करे ताकि कोई बीमार ही ना पड़े। अगर योग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो बीमारियां भी दूर रहती हैं और तनाव भी दूर होता है। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से दिल्ली की योगशाला का हिस्सा बनने के लिए अपील करते हुए कहा कि अगर आप योग करना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए, दिल्ली सरकार आपको मुफ्त में योग टीचर मुहैया कराएगी। लोग देश में तो वो शहर बन गए कि सबसे ज्यादा लोग आज दिल्ली के अंदर योगा करते हैं पार्कों में, लेकिन इसको जो हजारों की संख्या है इसको लाखों में ले जाना है, और हमें उस मुकाम पे पहुंचना है जब दिल्ली का हर व्यक्ति योगा करना चालू करे। वहीं सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा योग करें। उन्होंने कहा कि भगवान ने हवा फ्री कर रखी है, अब पता नहीं आने वाले समय में ऐसे पूंजीपति आएं और हवा पर भी टैक्स लगा दें। हम तो लोगों को फ्री में योग सिखाएंगे, आलोचना करने वाले करते रहें। कुछ लोग आलोचना करते हैं मेरी कि अरविंद जी ये फ्री में क्यों योग सिखा रहे हो, फीस लगनी चाहिए। लगनी चाहिए क्या फीस? फ्री में होना चाहिए ना योगा, तो योगा तो फ्री में। मैंने भी फ्री में सीखा था, सो मैंने फ्री में सिखा था, तो अब मैं जनता को भी फ्री में सिखाऊंगा। और जितनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और जरूरी चीजें हैं वो सब फ्री हैं। सबसे जरूरी चीज़ तो सांस लेना है, हवा है, वो भगवान ने फ्री बना रखी है, उसे पैसे नहीं लगते। अब पता नहीं आने वाले टाइम में कोई ऐसे पूंजीपति आए जो हवा पे भी टैक्स लगा दें, लेकिन भगवान ने तो बेचारे ने फ्री हवा कर रखी है, तो योगा भी बड़ी खूबसूरत देन है भगवान की। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली में 546 जगहों पर 17,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली की योगशाला के तहत योग अभ्यास किया। दिल्ली की योगशाला सिर्फ योग दिवस के दिन नहीं बल्कि रोजाना चलती है। हमारा लक्ष्य है कि 2 करोड़ दिल्ली वासी हर रोज योग करना शुरू करें। बता दें कि दिल्ली सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। दिल्ली में योगशालाएं चलाई जा रही हैं, जहां फ्री में योग सिखाया जा रहा है। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार की कोशिश है
कि बच्चों को बचपन से ही योग सिखाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग निरोगी हों और वो स्वस्थ जीवन जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।